सिद्धू मूसेवाला को गाड़ी में ही मार दी गई गोली, पर ऐसा क्या हुआ था? एक सिंगर पर गो इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो गया कि उसने उसकी जान ले ली? ये सारी बातें जानेंगे। इसी के साथ हम इस कमाल के गायक के पहले के जीवन पर भी नजर डालेंगे। आखिर कैसे मूसा गांव का छोटा सा लड़का शुभदीप बना सिद्धू मूसेवाला? तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। 29 मई, ये वो दिन था जब शाम के वक्त में सिद्धू मूसेवाला को गोली मार दी गई थी और उनकी ही गाड़ी में उनकी जान ले ली गई। और उनकी डेथ की कंफर्मेशन मनसा हॉस्पिटल के सिविल सर्जन राजनीत राय ने की है। इनको जवाहर के विलेज में गोली मारी गई है। ये तभी अपने बॉडीगार्ड के साथ थे और उनके बॉडीगार्ड को भी बहुत ज्यादा बुरी तरीके से घायल किया गया है, लेकिन उनकी जान बच गई पर सिद्धू की जान नहीं बच पाई। इस हादसे के तुरंत बाद वो जो लोग थे वो वहाँ से भाग गए और अब तक उनकी पहचान नहीं हो पाई है। और उसके तुरंत बाद यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बड़ी भीड़ लग गई थी, क्योंकि ये पूरे भारत में कितने ज्यादा पॉपुलर सिंगर हैं ये बात आप जानते ही होंगे। आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि आखिर लोगों को एक सिंगर के प्रति इतना ज्यादा नफरत क्यों हो गया कि उन्होंने उसे गोली मार दी, क्योंकि ऐसे कई सिंगर हैं जो इनसे ज्यादा ऊपर या फिर इनके जितने पॉपुलर हैं, लेकिन किसी के भी ऊपर कभी जानलेवा हमला नहीं हुआ। तो यहाँ पर क्या बात हो गई? दरअसल कुछ वक्त पहले सिद्धू मूसेवाला ने कांग्रेस को ज्वाइन किया था और पंजाब असेंबली के लिए इलेक्शन लड़े थे। हालांकि वो आम आदमी पार्टी से इस इलेक्शन में बहुत ज्यादा बड़ी मार्जिन से हारे थे। इन्हें विजय सिंगला ने हराया था, वो भी करीब 60,000 ज्यादा वोट से। लेकिन इसके बाद जो पंजाब के सीएम है भगवंत मान, उन्होंने कुछ ही दिनों के बाद विजय सिंगला को बर्खास्त कर दिया, क्योंकि उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगाए गए थे। और इसके करीब कुछ दिनों बाद सिद्धू मूसेवाला ने एक गाना निकाला था जिसका नाम था स्केपगोट, और इस गाने में इन्होंने इनडायरेक्टली इसी सब मामले के बारे में बात की थी और आम आदमी पार्टी के सपोर्टर को इनडायरेक्टली गधा कहा गया था, जिसके बाद ये लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे और उनके बारे में सोशल मीडिया और कई जगह पर पोस्ट भी हो रहे थे। आपको पता होगा कई रैपर्स और सिंगर जो होते हैं उनकी ऐसी आदत होती है कि उनकी लाइफ में जो बातें चल रही होती हैं या फिर अगर उनको और किसी और के बीच कुछ झगड़ा हुआ है तो वो उसके बारे में अपने गाने में बताते हैं। इन्होंने भी कुछ वैसा ही किया था, लेकिन ये बात लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इनके जो फैंस थे वो तो तब भी इन्हें सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते हैं वो इस बात से बहुत नाराज हुए थे। और फिलहाल तो पूरी कार्यवाही खत्म नहीं हुई है, लेकिन लोगों का इसी तरफ इशारा करना है कि कहीं ना कहीं यही वजह होगी लोगों के अंदर उनके खिलाफ पैदा करने की। और इन्होंने अपने गाने के जरिए जो छोटी सी चिंगारी लगाई थी वो बहुत बड़ी आग बन गई और इनकी ही जान की कीमत ले बैठी। और अब आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया से लेकर हर जगह पर इनकी बातें चल रही हैं, क्योंकि ये कई लोगों के दिल की धड़कन थे। लोगों को इनके पंजाबी सॉन्ग्स बहुत ज्यादा पसंद आते थे और एक प्रकार से कहा जाए तो इन्होंने ही पंजाबी सॉन्ग्स में रेवोल्यूशन लाया था। तो इस बात में भी कोई गलत बात नहीं होगी कि पंजाबी ओल्ड फोक म्यूजिक और आज के मॉडर्न रैप को एक साथ मिलाकर बेहद ही कमाल का गाना बनाते थे, और इसी के बाद से बाहर के लोग भी पंजाबी सॉन्ग्स को बहुत ज्यादा सुनने लगे। इसलिए इन्हें पंजाबी सॉन्ग्स इंडस्ट्री या फिर कहूँ इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत ही बड़ा लेजेंड माना जाता था, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। इन्हें यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। इनका जन्म मानसा जिले के मूसा गाँव में हुआ था और यही कारण है कि इन्होंने अपने नाम में सिद्धू मूसेवाला रखा, वरना इनका असली नाम शिवदीप सिंह सिद्धू है। इन्हें बचपन से ही म्यूजिक का बहुत ज्यादा शौक हुआ करता था, तभी ये पुराने पंजाबी फोक म्यूजिक सुना करते थे। और इसके बाद इन्होंने मानसा जिले से ही अपनी एजुकेशन को पूरा किया, लेकिन इसके बाद जब इन्हें डिग्री चाहिए थी तो इन्होंने इंजीनियरिंग करने का सोचा और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री भी ली। ये अपने कॉलेज दिनों में बब्बू बान के गाने काफी ज्यादा सुना करते थे, इसकी वजह से इन्हें भी सिंगिंग करनी थी, लेकिन ये तभी सॉन्ग्स को लिखते नहीं थे इसलिए इन्होंने सॉन्ग राइटर से बात की। लेकिन तभी के जो बड़े बड़े सॉन्ग राइटर्स थे उनकी प्राइस इतनी ज्यादा थी कि सिद्धू मूसेवाला अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इसके बाद इन्हें एक बहुत ही ज्यादा अच्छा सॉन्ग राइटर मिला था जो कि इनके साथ कम पैसों में भी काम करने के लिए तैयार था, लेकिन उसने इन्हें यहाँ से वहाँ भगाया, कभी यहाँ पर बुलाता तो कभी वहाँ पर, यहाँ तक कि उसने कई बार इन्हें अपने घर पर भी बुलाया है और उसके बाद वहाँ से इन्हें वापस भेज दिया। और इस बात से तंग होकर इन्होंने तय किया कि ये अपने खुद के सॉन्ग्स लिखेंगे और ये भी तय किया कि ये कभी भी किसी और के द्वारा लिखे गए सॉन्ग्स को नहीं गाने वाले हैं। इसके बाद इन्होंने सॉन्ग लिखना शुरू किया और देखा कि ये असलियत में सॉन्ग्स लिखने में बहुत माहिर हैं और इन्होंने अपने अंदर के असली हुनर को पहचाना। इसके बाद निंजा नाम के एक सिंगर हैं जिन्होंने इनके गाने को लाइसेंस किया और वहीं से ही इन्हें पहली बार बड़ा एक्सपोजर मिला था। इसी के साथ पंजाबी चैनल पर एक शो आया करता था जिसमें वो अपकमिंग या फिर छोटे सिंगर्स को गाने का मौका देते हैं। इन्हें भी इसी शो में देखा गया था और उसके बाद दीप चंदू नाम के बहुत ही बड़े पंजाबी सिंगर ने भी इनके द्वारा लिखे गए एक गाने को गाया था, लेकिन फिर ही अपनी आखिर की पढ़ाई करने के लिए कनाडा चले गए थे और पहले तो इनका वहीं पर सेटल होने का प्लान था। और वहां पर जाने के बाद ये और भी कई आर्टिस्ट से मिले और इनका कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा बढ़ा और फिर इन्होंने खुद गाने गाना शुरू कर दिया। और स्टार्टिंग में इन्होंने जो गाने गाए वो काफी अच्छे गाए, लेकिन इन्हें वो सक्सेस नहीं मिली थी जिसके ये हकदार थे। लेकिन वो दिन भी बहुत ज्यादा जल्दी आ गया, इन्होंने सो हाई नाम का एक गाना गाया था जिसने इनके सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसके बाद इनके जो नए गाने आने लगे सबके सब वायरल होने लगे और ये एक इंटरनेट सेंसेशन बन गए। इन्होंने पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री को ना बस पंजाब बल्कि पूरी इंडिया में फेमस किया और कई जगह पर तो इंडिया के बाहर भी ये फेमस थे। और इसके बाद इन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हालांकि हाल ही में जो हादसा हुआ है वो बहुत ज्यादा दुखद है। भले ये बहुत ज्यादा फेमस थे लेकिन अभी ये और आगे बढ़ते जा रहे थे और ये चमकते सितारे थे जिनके हर एक नए गाने उनकी ऊंचाइयों की ओर बढ़ा रहे थे। लेकिन उनकी ये गलती कहें या फिर उनकी किस्मत कहें, इनकी छोटी उम्र में इन्होंने हमें अलविदा कह दिया और अभी हम बस एक ही उम्मीद कर सकते हैं कि ये जहां पर भी हों वहां खुश हों।